हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट बेबी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। मतलब अभी सीजन चेंज हो रहा है ना, तो अभी को आई उसको 1 वीक के पहले उनको कोल्ड था, तो अभी बेबी का भी कोल्ड हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, तो हम लोग उसे लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। बहुत टेंस हो गए थे क्योंकि इतना छोटा बेबी है ना, तो खांसी हो रहा है, उसको चेस्ट में प्रॉब्लम है हो रहा है या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सोच के हम लोग तुरंत ही हॉस्पिटल लेके चले गए बेबी को। तो जाके हम हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाए, तो फिर मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला कि अभी वायरल फीवर हुआ है, तो इतना ज़्यादा टेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, और एंटीबायोटिक नहीं दिए, इतना छोटा बच्चा को एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। तो बस कोल्ड का एक सिट्रिजिन टाइप का कुछ ड्रॉप्स दे दिए हैं, तो वही हम लोग अभी बेबी को खिलाएंगे। और ये देखिए आयुष अपना, इसे हॉस्पिटल में बड़े बच्चे के लिए प्ले एरिया कराया हुआ है, तो ये अपना बिजी रहते हैं, तो बेबी को दिखाना भी अच्छा से हो जाता है। तो हम लोग उसी नाइट को चले आए थे, घर पे चले आए थे, और उसके अगले दिन हमें जाना था फ़ोटोशूट के लिए, तो वही हम लोग फ़ोटोशूट करके आ गए थे। तो इस तरह से मैं रेडी होके गई थी। फिर हम लोग आगे इंडिया जाने का प्लान है, तो फिर नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग ये देखिए हम ये वाला फ़ोटोशूट करके जी गए थे, स्टूडियो गए थे, और ये एक फ़ोटो फ्रेम लाके आए हैं, और अच्छे से ये सबको हम अभी डेकोरेट करेंगे वॉल पे। और नाइट को मैं ऐसे कद्दू, आलू और चना डाल, अदरक, टमाटर ये सब डाल के एक सब्जी बनाऊंगी, देन पूरी बनाऊंगी, और ये साबूदाना जो है ना, साबूदाना का एक खीर बनाऊंगी सोची हूँ, तो उसके लिए दूध डाल दिया है। और दूध अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद साबूदाना को डाल के थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, चीनी भी ऐड कर दिया था पहले से ही दूध में, तो ये हमारा साबूदाना का खीर बन के रेडी हो गया है। और इधर मैं सब्जी बिठा रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो फटाफट से ये बन जाएगा। देन एंड में साबूदाना में थोड़ा सा केसर ऐड कर दूँगी, तो अच्छे से कलर आ जाएगा। और सब्जी भी बिठा दिया है प्रेशर कुकर में, और इधर पूड़ियाँ भी तल लूँगी। आज अभी नहीं है मेरे साथ पूड़ियाँ तलने के लिए, नहीं तो हमेशा रहते हैं। आज बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उसी वक्त रो रहा था, मैं सोची कि आप बच्चे को पकड़ो, मैं कर लेती हूँ। तो जैसे तैसे हो गया है डिनर, तो अभी हम लोग खाना खा लेंगे। इस वाले दिन ना विजयादशमी था, दशहरा था, तो इसीलिए मैं सोची कि कभी तो इतना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बेबी का काम भी होता है, घर का काम, आयुष का काम, ये सब में टाइम ही नहीं हो पाता है कुछ अच्छा से बना के खाओ। हम लोग बस वन पट राइस या राइस सब्जी इसे बना के खा लेते। देन एंड में थोड़ा सा मन किया कि आलू चप भी बनाती हूँ, तो बस 3 ही बनाए थे, आयुष के लिए एक और हम दोनों के लिए एक एक। तो ऐसा था आज का ये छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। और ये देखिए मेरा फ़ोटो गैलरी कुछ इस तरह से दिख रहा है, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। यहीं तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी न्यू है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय।